नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एस्टिमेशन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सा एस्टिमेशन किस प्रकार के प्लांट्स में पाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एस्टिमेशन। किसी पुष्प के बाह्य दल पुंजों के दल पुंजों के दलों अथवा परिदल पुंजों के परिदल का कली अवस्था में व्यवस्थित होने का क्रम एस्टिमेशन या पुष्पदल विन्यास कहलाता है। अगर आप देखें तो हमारी बात क्या हुई, सेपल्स, पेटल्स या टेपल्स का कली अवस्था, किसी पुष्प की कली अवस्था में व्यवस्थित होने का क्रम पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एस्टिवेशन कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, अगर हम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चले तो एस्टिवेशन मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। लेकिन ये एस्टिवेशन को हमें किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, अगर हम जब बात करते हैं बाह्य दल की, तो बाह्य दल को कुछ इस डायग्राम के माध्यम से, इस साइन के माध्यम से जो हम दर्शाते हैं। जबकि अगर मान के चलिए हम दल की बात करते हैं, तो दल को कुछ इस साइन के माध्यम से, चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला है वेलवेट या कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास, वाल वेट। यहां अगर हम इन शब्दों को समझे, कोर का मतलब होता है किनारा और स्पर्शी का मतलब होता है स्पर्श करना। वह पुष्प दल विन्यास जिसमें किसी पुष्प के बाह्य दल, दल या परिदल एक दूसरे को केवल स्पर्श करते हैं परंतु एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास कहलाता है। वह पुष्पदल विन्यास जिसमें किसी पुष्प के बाह्य दल, दल या परिदल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं परंतु एक दूसरे को ढकते नहीं है, ओवरलैप नहीं करते हैं, इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास जो है वह कोर स्पर्शी या वेलवेट पुष्पदल विन्यास कहलाता है। इस प्रकार का पुष्पदल विन्यास की अगर हम बात करें तो यह ब्रेसिका अर्थात सरसों, केलोट्रोपस प्रोसेरा आदि में पाया जाता है। यहां इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता यह है इसके दल, बाह्य दल या परिदल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, परंतु ढकते नहीं है, ओवरलैप नहीं करते हैं, ढकते नहीं है। इसका अगर हम डायग्राम अगर हम बनाने की बनाए आप देख रहे हैं, इसमें बाह्य दल
सेपल्स दल सेटल्स या परिदल पेपल्स एक दूसरे को केवल छू रहे हैं, यहां पर अलग अलग बताने के लिए हम इसको छूने भी नहीं दे रहे हैं, तो एक दूसरे को केवल ये स्पर्श करते हैं परंतु एक दूसरे को ये ओवरलेप नहीं करते हैं। इस प्रकार का जो एस्टिमेशन है वह कोर स्पर्शी एस्टिमेशन कहलाता है। इस प्रकार के एस्टिमेशन की बात करें और दूसरे प्रकार का एस्टिमेशन है ट्विस्टेड या व्यवर्तित एस्टिमेशन। वह एस्टिमेशन जिसमें एक पेटल्स सेपल्स या टेपल्स दूसरे पेटल्स सेपल्स या टेपल्स को ढका हुआ होता है ट्विस्टेड या व्यवर्तित एस्टिमेशन कहलाता है। अर्थात आप देखेंगे कि इस प्रकार के एस्टिमेशन में ओवरलैपिंग पाई जाती है, एक किनारा दूसरे किनारे को ढका हुआ होता है, तो इस प्रकार का जो एस्टिमेशन है वो ट्विस्टेड या व्यवर्तित एस्टिमेशन कहलाता है। इस प्रकार का एस्टिमेशन गुड़हल भिंडी कपास और सदा सुहागन में पाया जाता है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको ये तीन चीजें मिलेगी, गुड़हल भिंडी और कपास। इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को आप देखने से समझ जाएंगे कि अगर मान के चलिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये इसका जो किनारा है वो दूसरे को ढका हुआ है, लेकिन दूसरा वाला जो किनारा है वो किसी अन्य को ढका हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब एक पेटल्स सेपल्स या टेपल्स दूसरे सेपल्स पेटल्स या टेपल्स को ढका हुआ होता है तब इस प्रकार का जो एस्टिमेशन है वह एस्टिमेशन ट्विस्टेड एस्टिमेशन कहलाता है। एस्टिमेशन है इसको हम कोर छादी या इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है एक पूर्णता अंदर एक पूर्णता बाहर तथा सेल्स अंदर बाहर होते हैं, कोर छादी या इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन कहलाता है। अर्थात ऐसा एस्टिमेशन जिसमें एक बाह्यदल दल या परिदल पूर्णता बाहर, एक बाह्यदल दल या परिदल पूर्णता अंदर तथा सेल्स अंदर बाहर की ओर होते हैं, इस प्रकार का एस्टिमेशन इम्ब्रिकेट या कोर छादी एस्टिमेशन कहलाता है। इस प्रकार का एस्टिमेशन मुख्य रूप से गुलमोहर अशोक अमलतास केसिया आदि में पाया जाता है। क्विंसियल एस्टिमेशन कहते हैं। यह एस्टिमेशन इसका ही अर्थात कोर छादी या इम्ब्रिकेट का ही थोड़ा सा परिवर्तित रूप है जिसमें दो अंदर दो बाहर तथा एक अंदर बाहर होता है। वह एस्टिमेशन जिसमें किसी पुष्प के दो बाह्यदल परिदल या दल पूर्णता अंदर दो बाहर तथा एक अंदर बाहर होता है, पंचक या क्विंक्विंसियल एस्टिमेशन कहलाता है। इसको अगर हम डायग्रामेटिक देखें कि इसमें यहां पूर्णता अंदर की ओर है ये दो, जबकि ये दो पूरी तरह से बाहर हैं, जबकि ये एक अंदर बाहर है। इस प्रकार का जो एस्टिमेशन है अमरूद नींबू आदि में पाया जाता है। अंतिम प्रकार का एस्टिमेशन जिसको ध्वजक या वेक्सिलरी एस्टिमेशन कहा जाता है और इस प्रकार का जो एस्टिमेशन है पेपिलियोनेसी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे मटर चना सेब अरहर, मटर पैशन सेटिवम, चना साइसा एरेटिकम, सेब डोलिकस लबलब और अरहर मतलब केजेनस केजान में पाया जाता है। इस प्रकार के एस्टिमेशन में होता क्या है कि एक जो बाह्यदल होता है या दल होता है वो काफी बड़ा होता है और ध्वजक कहलाता है, जबकि दो दल छोटे आकार के होते हैं तथा अंदर बाहर की ओर होते हैं, जबकि अंतिम दो जो होते हैं वह काफी छोटे होते हैं और आपस में जुड़कर कील के आकार की संरचना को निर्मित करते हैं।
अर्थात इस प्रकार के एस्टिमेशन में एक पूर्णतः बाहर तथा बड़ा होता है, जबकि दो छोटे तथा अंदर बाहर की ओर होते हैं, जबकि अंतिम दो छोटे व नवतल के आकार के होते हैं जो संयुग्मन से निर्मित होते हैं। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर की ओर का क्या कहला रहा है, ध्वजक कहला रहा है, जबकि बीच वाले जो है पंख या विंग्स कहला रहे हैं, जबकि सबसे नीचे वाले जो है वो तल या कूटक कहलाते हैं या जिसको हम कील कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपने एस्टिमेशन देखा। उम्मीद करूंगा कि यह एस्टिमेशन आपको समझ में आएगा।